हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और मेरे चैनल विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वनीला केक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, इस केक को हम बिना एग और बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे और इस केक को हम डेकोरेट करेंगे बिना व्हिपिंग क्रीम के। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आइए वनीला केक बनाना शुरू करते हैं। तो वनीला केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा हाफ कप कर्ड यानी दही। अब इसमें डालूँगा मैं हाफ कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीनों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो सभी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस पर रखूँगा मैं एक छलनी। इसमें डालूँगा मैं 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसको हम स्पैचुला की सहायता से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसे जल्दी जल्दी मिक्स ना करें। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर है वो गाढ़ा है, इसलिए अब इसमें हम डालेंगे टोटल 1 कप दूध। लेकिन आधा दूध हम पहले डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम आधा दूध डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है और मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा, हमारा जो बैटर होगा इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो बचा हुआ आधा दूध भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा एकदम अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। आप इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं विनेगर की जगह। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे लगभग 4 से 5 सेकंड के लिए। विनेगर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर केक को बेक करने के लिए मैंने 6 इंच का यानी कि 6 इंच का केक टिन लिया है। इसको हम रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो इसे मेल्टेड बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो ग्रीस हमने कर लिया है इसे। अब इस पर लगा दूंगा मैं एक बेकिंग पेपर और इसको भी हम रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप बेकिंग पेपर की जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने ग्रीस कर लिया है, हमारा केक टिन है वो रेडी हो चुका है। अब बैटर को भी हम एक बार फिर से 2-4 सेकेंड के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे केक टिन में। तो सारा का सारा बैटर हमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो सारा बैटर हमने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हम 2 से 3 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब केक को बेक करने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुकर को हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट तक हमारा कुकर बेक यानी कि प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम रख देंगे हमारा एक स्टैंड, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा केक टिन। केक टिन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको ढक्कन में लगा देना है। ढक्कन का जो रबड़ है उसको हमें हटा देना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 55 से 60 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो लगभग 60 मिनट बाद यानी कि 1 घंटे बाद हमारा केक है वो बेक होकर तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं कि अंदर से हमारा केक बेक है या नहीं। तो आप देख सकते टूथपिक एकदम क्लीन है, यानी कि हमारा केक अच्छे से बेक होकर तैयार हो गया है। अगर आपका केक बेक नहीं होता है तो आप इसे लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह एकदम लो फ्लेम पर बेक होने दें। तो केक टिन को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारा केक ठंडा होता है हम बटर क्रीम यानी कि जो केक के लिए क्रीम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पे 1 कप + 1/8 कप अनसॉल्टेड बटर। ये मेरा घर का बना हुआ मक्खन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो इस कप से मैंने बटर को मेज़र किया था और यहाँ पे लिए मैंने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है जिसके नीचे मैंने प्लेट लगा दी है। अब इसके अंदर हम चीनी को छान लेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी जो चीनी हम छानेंगे तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं यानी कि चीनी के क्रिस्टल होते हैं तो वो छन जाएंगे, तो वो जब क्रीम हम बनाएंगे बटर क्रीम उसमें मुंह में नहीं आएंगे वो दाने। तो चीनी को हम अच्छे से छान लेंगे। तो चीनी को हमने छान लिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी चीनी छनकर तैयार हो गई है। अब बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक बाउल में मैं डालूँगा बटर, तो बटर को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है बाउल में। अब बीटर की सहायता से हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लगातार बीट करते जाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी ना हो जाए। तो आप चाहें तो इसे विस्कर से भी कर सकते हैं, पर विस्कर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी बटर क्रीम की जो क्रीम है एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं स्पैचुला की सहायता से बीच में। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, आप अपने मनपसंद का एसेंस डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम लगभग 4 टेबलस्पून चीनी एक बार में डालेंगे और उसको इस तरह बीट करते जाएंगे। तो चीनी डालते जाएंगे और सारी चीनी जब ख़त्म हो जाए तो अच्छी तरह हम इसे बीट कर लेंगे। तो सारी चीनी और बटर को हमने अच्छे से बीट कर लिया है, हमारी बटर क्रीम है वो एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम स्पैचुला की सहायता से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बटर क्रीम बनकर तैयार हुई है। तो केक भी हमारा ठंडा हो चुका है लगभग 4 घंटे बाद। तो इसके किनारों को हम चाकू से अलग कर लेंगे। अब इस केक को हम पलट देंगे किसी प्लेट में, इसको हल्का सा टैप करेंगे और केक को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा केक स्पंज है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो केक स्पंज को हमने केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया है और इसकी जो ऊपर की फूली हुई एक्स्ट्रा लेयर है इसको हम काट कर हटा देंगे। आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस हटाने के बाद हमारा केक एकदम स्मूथ यानी ऊपर से एकदम इक्वल बनेगा। तो अब इस केक को स्पंज को हम डिवाइड कर लेंगे 3 लेयर्स में, आप चाहें तो इसकी 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी केक की फर्स्ट लेयर। ये है हमारे केक की सेकेंड लेयर और नीचे वाली थर्ड लेयर। तो सबसे पहले केक बोर्ड पर हम केक की एक लेयर रखेंगे, इस पर हम लगाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप मतलब 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी उसमें लगभग 1/4 कप ठंडा पानी मिला दिया था और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया था। शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है और इसको हम इस तरह लगा देंगे केक के ऊपर, इससे हमारा केक एकदम मॉइस्ट बनता है। तो अब इस पर हम लगा देंगे हमारी बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग। तो यहाँ पे हमें एकदम पतली लेयर बनानी है क्योंकि ये बटर है इसलिए ज़्यादा खाया नहीं जाता, इसलिए हमें पतली लेयर लगानी है इस पर। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। तो बटर क्रीम को इस पर केक की लेयर पर हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे केक की दूसरी लेयर, इस पर भी हम लगाएंगे शुगर सिरप और इसके बाद हम बटर क्रीम इस पर अप्लाई करेंगे और इसको स्मूथ कर देंगे। तो इस पर बटर क्रीम लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम रख देंगे केक की थर्ड लेयर यानी लास्ट वाली लेयर। तो ये लेयर है वो नीचे वाली लेयर है। तो अब इस पर भी हम लगा देंगे शुगर सिरप और शुगर सिरप लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बटर क्रीम। तो इस बार जो बटर क्रीम है हमें साइड में भी लगानी है क्योंकि हमारी ये लास्ट फ्रॉस्टिंग है, तो इसको हमें केक को कवर कर देना है बटर क्रीम से। तो पूरे केक को हम बटर क्रीम से अच्छे से कवर कर देंगे और इसके किनारों को भी हम स्पैचुला से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, एकदम इक्वल कर लेंगे सभी किनारों को। तो स्पैचुला से पूरे केक को हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है और बीच में मैंने इसमें स्क्रैपर का भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का स्क्रैपर लिया है,
इस स्क्रैपर से हम केक के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे और जो नीचे एक्स्ट्रा जो क्रीम चिपकी हुई है उसको हम हटा देंगे किसी कपड़े से। तो अब हम बची हुई बटर क्रीम में डालेंगे केसर फूड कलर 1/2 टीस्पून और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कलर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारी बटर क्रीम कलर वाली रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टार नोज़ल का। स्टार नोज़ल को मैंने पाइपिंग बैग में लगा दिया है, पाइपिंग बैग को काट दिया है और इस पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग। तो मैंने इसमें आधी फ्रॉस्टिंग ट्रांसफ़र की है, आधी फ्रॉस्टिंग हम बाद में काम में लेंगे। तो अब इसके आप देख सकते हैं बटर क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब इससे हम केक के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। तो आप अपने मन के अनुसार कोई सी भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो मैं इसके किनारों पर इस तरह फ्लावर की डिज़ाइन बना रहा हूँ और इसके जो नीचे वाले किनारे हैं एजेस उस पर भी हम इस तरह बना देंगे डिज़ाइन। तो इस पर मैं सिंपल डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो केक पर हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब मैंने बची हुई फ्रॉस्टिंग को छोटे वाले स्टार नोज़ल में भर लिया है। अब इस पर भी हम इस तरह डिज़ाइन बना देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह मैं बना रहा हूँ। आप अपने मन के अनुसार कोई से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पूरे केक के ऊपर हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब इस पर मैं लगा दूंगा यानी कि जो फ्लावर बनाए थे इसके ऊपर हम एक एक सिल्वर बॉल लगा देंगे, इससे हमारा केक और सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों हमारा केक है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।